I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And it is my last video regarding higher education in accordance to your syllabus, that is relationship between higher education and the world of work. Okay, the lecture will be useful for your various competitive teaching examinations as well as for your general understanding about higher education. And it must be bilingual. So let's start. First of all, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम क्या बात करने जा रहे हैं, higher education and the relationship with world of work. World of work का मतलब जो हमारा वर्क प्लेस है, जो हमारा कार्यस्थल है, जो हमारा आप कह सकते हैं रोजगार का स्थल है, जो जहाँ हम नौकरी करने जाते हैं, ऐसे साधारण शब्दों में समझिए. तो हायर एजुकेशन यानी माना ये जाता है, वैसे हायर एजुकेशन का आपको पता होगा कि मेन फंक्शन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना नहीं है, उसका मेन फंक्शन है रिसर्च, एक्सटेंशन एंड टीचिंग एंड सर्विसेज. लेकिन बाय डिफॉल्ट आप उसके बाद किसी ना किसी टीचिंग सर्विस से जुड़ते हैं, कुछ काम करते हैं इस तरीके का. तो ये एक प्रिडिक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, मतलब उसका सबसेट निकल के आया कि हमने पढ़ लिया है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास कौशल है, हमारे पास भाव है, तो हम किसी ना किसी रोजगार में जो शिक्षा से संबंधित होगा उसमें अपनी प्राप्त की हुई शिक्षा का उपयोग करेंगे. तो हायर एजुकेशन इज द प्रिडिक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर हम उच्च शिक्षा हमने ग्रहण की है तो ये एक प्रिडिक्शन कर सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है कि हमको रोजगार मिल जाएगा. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर, तो हमको ये देखना है कि क्या हायर एजुकेशन वर्ल्ड ऑफ वर्क से रिलेशनशिप अच्छा रखता है, यानी कि अगर हम हायर एजुकेशन से पास आउट होते हैं तो क्या हमको बढ़िया जॉब मिल जाती है, या अगर ऐसा नहीं है तो हायर एजुकेशन में क्या बदलाव होने चाहिए ताकि हमको रोजगार मिल जाए. क्यों? क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा वही है. The main objective of higher education is to transform students through enhancing learning skills, behavior and lifelong empowerment as critical and logical reflective persons. यानी कि शिक्षा का, उच्च शिक्षा का मुख्य गोल क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हम विद्यार्थियों को ट्रांसफॉर्म कर सकें, बदल सकें, उनका रूपांतरण कर सकें. किस विधि से? उनमें हमको लर्निंग के स्किल्स डेवलप करना है, इन्हेंस करना है, उनका बिहेवियर हम ट्रांसफॉर्म कर सकें, उनको हम इस काबिल बना सकें कि लाइफ लॉन्ग वो क्रिटिकल और लॉजिकल रिफ्लेक्टिव पर्सन की तरह से रिएक्ट करें. कितनी बड़ी बात है ये, हम लोग कब मतलब जिंदगी में लॉजिकल कब होते हैं, आप खुद सोचिए, क्रिटिकली हम कब सोचते हैं, नहीं सोचते हम इस तरह से. तो हायर एजुकेशन का ये ऑब्जेक्टिव है. इन जनरल साधारण रूप से आप कह सकते हैं विद इमर्जिंग ट्रेंड्स, जो इतने नए नए तरीके के नवाचार और इतनी प्रवृत्तियां आ गई हैं, एवरी इंस्टीट्यूशन, यहाँ एवरी इंस्टीट्यूशन का मतलब एवरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से है, नरिशेज स्टूडेंट्स, यानी कि हम अपने विद्यार्थियों को ये इस तरीके का पोषण देते हैं, पोषण इन द सेंस ज्ञान का पोषण फॉर द वर्ल्ड ऑफ वर्क, ताकि वो जो उसका वर्क प्लेस है विद द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो ट्रेंड नया नया बदल गया है, अब जो प्रैग्मेटिक फिलोसफी चलती है ना कि आप वो पढ़िए जो काम का हो, वो पढ़ाइए जिससे नौकरी मिल जाए, तो अब तो आइडियलिस्टिक फिलोसफी चलती नहीं है कि हमको सेल्वेशन हासिल करना है हायर एजुकेशन अटेंड करने के बाद, हमको तो जॉब चाहिए. तो वो कह रहे हैं कि जो ये ट्रेंड बदल गया है, तो हर इंस्टीट्यूशन चाहता है कि वो अपने विद्यार्थियों को इस तरह से पढ़ाए लिखाए, इस तरह से काबिल बनाए कि वो वर्ल्ड ऑफ वर्क यानी कि वर्क प्लेस पे वो एब्जॉर्ब कर लिया जाए. इन द लास्ट टू डिकेड्स द मेजर फोकस वाज ऑन हायर एजुकेशन टू इंक्रीज नेशनल ग्रोथ, रीजनरेट इकोनॉमिक रूट्स एंड डेवलप सिग्निफिकेंट डायरेक्शन टू मीट न्यू चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड. पिछले दो दशकों में हमने ये देखा है कि जो शिक्षा है, जो उच्च शिक्षा है, उसका मुख्य गोल, मुख्य फोकस क्या है, ये हम राष्ट्रीय वृद्धि जिसको आप कहते हैं जीडीपी है आपका, उसमें वृद्धि कर सकें, हम इकोनॉमिक रूट्स यानी कि जो आर्थिक जड़ें हैं उनको और रीजनरेट, उनको पुनरुत्पादित कर सकें, एंड डेवलप सिग्निफिकेंट डायरेक्शन, और हम मतलब उस तरीके का वर्कफोर्स प्रोड्यूस कर सकें जो जो नया संसार है उसकी जो नई नई चुनौतियां हैं उसको डील कर सकें. तो ये हायर एजुकेशन का टिल्ट हो गया, एक शिफ्ट हो गया आप कह सकते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स में. द रिलेशनशिप बिटवीन हायर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हैज बीन गिवन अटेंशन फॉर पॉलिसी मेकिंग इश्यूज एज वेल एज रिसर्च पर्पसेस. और बहुत सारा जो लोग पॉलिसी बनाते हैं, जो विद्वजन हमारे यहाँ, उन्होंने ये पाया है कि हायर एजुकेशन का एम्प्लॉयमेंट से रिलेशनशिप होना चाहिए और इसको महत्ता दी है. इट कैन बी सॉल्व टू सम एक्सटेंट इफ दे पे अ ग्रेट अमाउंट ऑफ अटेंशन टू नरिशिंग द एजुकेशन फॉर द वर्ल्ड ऑफ वर्क. ये और आसान तब हो जाएगा जब हम ज्यादा महत्व इस बात पर देंगे कि कैसे हम उस तरीके की शिक्षा दें कि विद्यार्थियों को वर्क प्लेस पर जगह मिले. ऐसा ना हो कि हायर एजुकेशन प्राप्त करने के बाद भी उसके पास कोई काम नहीं है, उसको कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है, ये नहीं होना चाहिए. इन एडिशन द यूथ ऑफ द कंट्री रिक्वायर्स प्रिपरेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट टू थ्राइव विद पार्टिसिपेशन इन नेशन बिल्डिंग. वो कह रहे हैं
इसके अलावा जो देश का युवा वर्ग है उसको हम इस तरह से रोजगार के लिए तैयार करेंगे और राष्ट्र के निर्माण में भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके। यानी कि हायर एजुकेशन को प्रिडिक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, बात ये हो रही है, चाहिए। हायर एजुकेशन इज रीशेपिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इसलिए हायर एजुकेशन ने जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने उद्देश्य हैं, उनको पुनः आकार दिया है टू सपोर्ट लर्नर्स, ताकि हम जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको सहायता दे सके, उनको मदद कर सके। किसमें? उनके करियर में, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके, प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयमेंट हो उनका, उनको वर्किंग वर्ल्ड की ट्रेनिंग मिल सके एंड ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर कैपेसिटीज, और वो अपनी क्षमताओं को बेहतर रूप से समझ सके। इसके हिसाब से हायर एजुकेशन ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को रीशेप किया है। हायर एजुकेशन हेल्प स्टूडेंट्स टू बिल्ड इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स नाउ, यानी कि नाउ लिखा इसका मतलब पहले ऐसा नहीं होता था। अब उच्च शिक्षा जो है वो विद्यार्थियों की मदद करती है कि उनके अंदर जो रोजगार परक कौशल है वो निर्माण हो सके, उनके अंदर उत्पन्न हो सके। विच मीन्स दैट इनेबलिंग स्टूडेंट्स टू गेट एंड कीप अ जॉब, इसका मतलब कि जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको एक जॉब मिले और वो उस जॉब में रह सके, ये ना हो कि वहां से ड्रॉप आउट हो गए, वहां उनका यू कैन से एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। अलाउज देम टू ब्रिंग चेंजेस टू द वर्किंग वर्ल्ड एंड सिमिलर प्रोफिशिएंसी फॉर डेवलपमेंट, यानी कि वो जो वर्किंग वर्ल्ड है उनका उसमें कुछ चेंजेस भी ला सकें, वो प्रोफिशिएंट बन सकें, विकास कर सकें, सारी बातें। डिमांडिंग मोर ग्रेजुएट्स बाय द स्मॉलर ग्रुप ऑफ कंपनीज पुट्स मोर प्रेशर ऑन हायर एजुकेशन टू एम्पावर स्टूडेंट्स विद द न्यू ट्रेंड्स एंड नीड्स ऑफ द लेबर मार्केट। वो कह रहे हैं कि इतनी इतनी कंपनियां हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं, उन सबको ग्रेजुएट्स चाहिए, वो ग्रेजुएट्स जिनके पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो, जो लेबर मार्केट में एब्जॉर्ब किए जा सके। इसलिए हायर एजुकेशन पे ये प्रेशर और बढ़ गया है कि वो बढ़िया ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करे। हार्मनी बिटवीन हायर एजुकेशन एंड दी वर्किंग वर्ल्ड इज द कंटेक्चुअल अप्रोच ऑफ डेवलपिंग अ प्रैक्टिकल इंटरफेस ऑफ एजुकेशन फॉर द वर्ल्ड ऑफ वर्क, यानी कि ये सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, ये हार्मनी होनी चाहिए, ये एक एक तरीके से काम करना चाहिए कि हायर एजुकेशन का जो प्रोडक्ट है और वर्किंग वर्ल्ड का जो इनपुट है दोनों में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, दोनों मैच करने चाहिए एक दूसरे से। तो ये सब तो होना चाहिए। अब है रियालिटी, होता क्या है? इन ए रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड ग्रेजुएट्स नीड टू बी लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। देखिए आप ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कंसेप्ट समझ लीजिए कितनी जगह यूज हो रहा है। जब हम एडल्ट एजुकेशन पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो, बहुत पुरानी बात हो गई, तो उसमें भी जो लेटेस्ट कंसेप्ट एडल्ट एजुकेशन का है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी कि अब आपकी लर्निंग कहीं रुकनी नहीं है। आप इम्प्लॉयबल हो ना इम्प्लॉयबल हो, आप होम मतलब होम मेकर हो, आप कुछ भी हो, लेकिन जीवन पर्यंत आपको सीखते रहना है। क्यों? क्योंकि इतनी तेजी से ज्ञान बढ़ रहा है, इंफॉर्मेशन बढ़ रही है, तो हर नई नॉलेज जो है वो पुरानी नॉलेज को रिडंडेंट करके आ जाती है। तो अगर हम पढ़ना लिखना छोड़ देंगे तो हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे, हम काम कोई भी करते हैं। तो ये रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, यानी कि इतनी तेजी से जो संसार बदल रहा है उसमें जो ग्रेजुएट्स हैं हमारे, जो स्नातक वर्ग हैं, उनको चाहिए कि वो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हों। द प्राइमरी रोल ऑफ हायर एजुकेशन इज सॉरी ये वही बात है जो अभी पिछली स्लाइड में थी। द प्राइमरी रोल ऑफ हायर एजुकेशन इज इंक्रीजिंगली टू ट्रांसफॉर्म स्टूडेंट्स बाई इनहेंसिंग देयर नॉलेज स्किल्स एटीट्यूड्स एंड एबिलिटीज वाई simultaneously empowering them as lifelong critical reflective learners। यानी कि जो हमारा हायर एजुकेशन है उसका मुख्य गोल तो ये है ही कि हम उनको ज्ञान दें, कौशल दें, उनकी अभिवृत्तियां, उनकी योग्यताएं सुधारें, इसके अलावा उनको इतना सशक्त बना दें कि वो जिंदगी भर एक क्रिटिकल और रिफ्लेक्टिव लर्नर बने रहें। The employability of graduates should not be seen as the primary focus of higher education। देखिए हम हायर एजुकेशन में उनको रोजगार देंगे इसकी ये हमारा प्राइमरी फोकस नहीं है। Rather, employability is a subset of and fundamentally contingent on transformative lifelong learning। बल्कि क्या है कि चूंकि आपने उनको इतना सिखा दिया है, आपने उनको इतना शिक्षित बना दिया है, उनमें ज्ञान कौशल अभिवृद्धि सब आ गई है, अभिरुचि सब बढ़िया हो गया है उनका, और उनको लाइफ लॉन्ग लर्नर आपने बना दिया है, तो वो इम्प्लॉयबिलिटी तो वो उनको मिल ही जाएगी। मतलब ये हमारा प्राइमरी फोकस ना होकर उसका सबसेट है, ये कहने का मतलब। Employers and their representatives consistently say that to succeed at work, most people in future must develop a range of personal and intellectual attributes beyond those traditionally made explicit in programs of study in higher education institutions। वो कह रहे हैं कि वो जो रोजगार देने वाले हैं, जो employer हैं और उनके प्रतिनिधित्व जो करने वाले हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको workplace पे सफल होना है तो आपके अंदर कुछ वैयक्तिक और कुछ बौद्धिक एट्रीब्यूट होने चाहिए, उसके अलावा जो कि आपको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हम ट्रेडिशनली देते आए हैं कि ठीक है ये पढ़ लो, ये एग्जाम है, ये इंटरनल, ये एक्सटर्नल, इसके अलावा हमारे में कुछ पर्सनल और इंटेलेक्चुअल एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, तभी हम वर्कप्लेस पे सक्सीड हो सकते हैं। कौन से है वो एट्रीब्यूट्स? देखिए
आजकल बहुत बात हो रही है ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स की। अगर आपने ओबीई के बारे में आप जानते हो, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, तो आपने जरूर ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स के बारे में सुना होगा। मतलब ग्रेजुएट में कौन से गुण होने चाहिए, सिंपली ये, एट रूट एम्प्लॉयर्स वॉन्ट इंटरेक्टिव एंड पर्सनल एट्रीब्यूट्स। जो एम्प्लॉयर्स है जो रोजगार देने वाला है वो चाहता है कि जो विद्यार्थी है, जो हमारा स्नातक वर्ग है, उसके अंदर कुछ इंटरेक्शन करने के और कुछ पर्सनल गुण होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, आप किसी ऑफिस में हैं, आप किसी फॉर्म में हैं, आपको पब्लिक से डील करना है, तो इंटरेक्टिव एट्रीब्यूट तो मस्ट है। तो कोर इंटरेक्टिव एट्रीब्यूट में क्या आएगा कि जिससे हम अंतः संबंध, हम बढ़िया इंटरेक्शन कर सकें जो भी हमारा कस्टमर है उसके साथ, कम्युनिकेशन सबसे बड़ी बात। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे यू कांट डू एनीथिंग। टीम वर्क, मिलजुल के काम करना, और इंटरपर्सनल स्किल्स, लोगों के साथ मिलजुल के काम करने का कौशल, ये आप में जरूर होना चाहिए। पर्सनल एट्रीब्यूट्स में क्या होना चाहिए, आपका एटीट्यूड बढ़िया होना चाहिए काम के लिए, आप में एबिलिटीज होनी चाहिए, योग्यताएं, कौन कौन सी योग्यताएं, बुद्धि हो, ज्ञान हो, इच्छा हो और योग्यता हो सीखने के लिए, एबिलिटी टू फाइंड थिंग्स आउट, चीजों को फाइंड करने की आप में योग्यता हो, विलिंगनेस टू टेक रिस्क। देखिए जितने लोग बिजनेस में होते हैं अगर वो रिस्क नहीं लेंगे तो उनको कभी सफलता नहीं मिलेगी, तो वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं कि मान लीजिए फेल भी हो गए तो उतना नुकसान ना हो, तो कैलकुलेटेड रिस्क की विलिंगनेस, ये नहीं कि हम रिस्क ही नहीं लेंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे। एंड शो इनिशिएटिव और आगे बढ़ के काम करना कि ठीक है हम आगे आते हैं करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी से इसका लेना देना है, हम फ्लेक्सिबल हों, बिल्कुल रिजिड ना हो, चीज़ें चेंज हो रही हैं और हम चेंज नहीं होंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। एडेप्टेबिलिटी टू रेस्पॉन्ड, हमको प्रतिक्रिया करना है उसके लिए हमको एडेप्टेबल होना पड़ेगा, अपने आप को अनुकूलित करना पड़ेगा। प्रीएम्प्ट एंड अल्टीमेटली लीड चेंज एंड सेल्फ स्किल्स, और सेल्फ स्किल्स हमारे अंदर कौन कौन सी होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन, अगर हम बार बार हारते हैं निराशा मिलती है तो हम स्व प्रेरणा हमारे अंदर हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो कि हम ये कर सकते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट हम कर सकें, सेल्फ प्रमोशन कर सकें, इतना कुछ अगर हमारे पास है तो आप समझिए कि आपको रोजगार जरूर मिलेगा और आप रोजगार के स्थल पर सफल भी होंगे। दीज पर्सनल एट्रीब्यूट्स आर इम्पॉर्टेंट टू अलाउ ग्रेजुएट्स टू फिट इन टू द वर्क कल्चर। ये बहुत जरूरी सारा एट्रीब्यूट है ताकि जो हमारा ग्रेजुएट है उसको वर्क कल्चर में वो फिट हो, डू दी जॉब कर सके, डेवलप आइडियाज, वहां पे आइडिया उसको विकसित कर सके, इनिशिएटिव, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, और अल्टीमेटली हेल्प ऑर्गेनाइजेशन डील विद चेंज। जो ऑर्गेनाइजेशंस को बार बार जो जो रोज रोज चेंजेस आ रहे हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प कर सके। तो इंटरैक्टिव एट्रीब्यूट होना चाहिए, पर्सनल एट्रीब्यूट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस ओवर 25 इयर्स हैव एडेड आईसीटी स्किल्स, और आईसीटी स्किल्स भी होनी चाहिए। आज के जमाने में बिना आईसीटी स्किल के हम कहीं कुछ काम नहीं कर सकते। टीम वर्क, फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हैज बिकम क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिस्क टेकिंग हैज बिकम अ की एट्रीब्यूट। वो कह रहे हैं हमारे अंदर समस्या समाधान का कौशल होना चाहिए और क्रिएटिवली हम समस्या का समाधान कर सकें। ऑन द अदर हैंड देयर इज मच लेस एम्फेसिस ऑन नॉलेज एंड फार मोर ऑन विलिंगनेस टू कंटिन्यू लर्निंग। देखिए बार बार कहा जा रहा है ज्ञान पे बहुत महत्व नहीं है कि आपको कितना आता है, वो तो हम गूगल करके भी जान लेंगे, है ना, विद इन द सेकेंड, अगर नहीं भी आता है। फैक्चुअल नॉलेज की आज के जमाने में बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि ये इच्छा कि हम लगातार सीखेंगे, हम लगातार सीख सकें। The employer higher education interface is thus a complex nexus that needs to address organizational structures and missions on the one hand and graduate attributes on the other. However, it is further complicated by a third dimension, the purpose of learning. वो कह रहे हैं कि जो employer और higher education interface है, जो जहाँ दोनों एक दूसरे से टच करते हैं, उसमें क्या है, organizational structure और mission होना चाहिए, एक ग्रेजुएट एट्रीब्यूट हो और पर्पज ऑफ लर्निंग हो, अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो इसका मतलब कि आप बढ़िया ये इंटरफेस बन जाएगा। फिर कुछ सजेशंस हैं कि ठीक है भाई ऐसा हमारा हायर एजुकेशन इतना बढ़िया ग्रेजुएट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है तो क्या किया जाए। देयर आर वेरियस सजेशंस इन द लिटरेचर अबाउट एक्सप्लिसिटली एड्रेसिंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इन हायर एजुकेशन, यानी कि हम जो अपनी उच्च शिक्षा है उसमें एम्प्लॉयबिलिटी, रोजगार परक कौशल बच्चों को दे सकें। कैसे दे सकें, प्रोविजन ऑफ स्किल्स मॉड्यूल्स, हम स्किल का मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करें, रिविजन ऑफ करिकुला, हम जो करिकुला है आउटडेटेड रिडंडेंट करिकुला इतने सालों से चला आ रहा है उसको आप बदल दीजिए, कैसे, उसमें आप स्किल एलिमेंट डालिए, बिना स्किल के देखिए कोई काम नहीं होगा। असेसमेंट ऑफ नॉन कॉग्निटिव स्किल्स, कॉग्निशन पे देखिए बल कम है, नॉन कॉग्निटिव स्किल का असेसमेंट, आप कम्युनिकेशन कैसा करते हैं, आप प्रेजेंटेबल हैं कि नहीं, आप में कितना सॉफ्ट स्किल है आपके पास, ये सब। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, देखिए वर्क एक्सपीरियंस की बात प्राइमरी एजुकेशन से होती है, आप उसको हायर एजुकेशन में थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस दीजिए ताकि वो जब एक्चुअल कंडीशन में जाए तो उसको दिक्कत ना हो। एंड द यूज ऑफ लाइव प्रोजेक्ट्स, और उसको लाइव प्रोजेक्ट्स दीजिए,
कि वो एक्चुअली वर्क प्लेस पे जाके उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, इन विच स्टूडेंट्स वर्क क्लोजली विद एम्प्लॉयर्स, जिसमें वो एम्प्लॉयर्स के संग डायरेक्टली काम कर सके, टू एड्रेस अ रियल लाइफ कंसर्न, यानी किताबी कागजी काल्पनिक उनको प्रोजेक्ट ना दीजिए, लाइव प्रोजेक्ट दीजिए जिसमें जो वाकई जीवन से संबंधित वास्तविक मुद्दा है उस पर वो काम कर सके. डिस्पाइट दीज रिव्यूज एंड सजेशंस, देयर इज अ स्टराइल डिबेट अबाउट वेदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स शुड बी एम्बेडेड इन द करिकुलम और टॉट इन सेपरेट यूनिट्स. वो कह रहे हैं कि ठीक है ये सब तो हमको करना ही करना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन एक ये विवाद का मुद्दा चलता है, डिबेट चलती है, वाद विवाद चलता है कि हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कैसे दें, या तो हम उसको करिकुलम में इम्बेड कर दें, मतलब उसी में वो अंतर्निहित है, या हम सेपरेट यूनिट ही पढ़ाएं कि ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का टॉपिक है, ये चैप्टर है, है? दोनों ही में कहा जा रहा है कि आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स दीजिए. There is a growing disconnect between the skills that graduate possess and those that employers need. आप सबको पता है कि एक डिसकनेक्शन चलता है, कहीं कोई कनेक्शन है ही नहीं, किसमें, वो जो ग्रेजुएट उत्पन्न होता है उसके पास जो कौशल है और जो एम्प्लॉयर्स को चाहिए कौशल ग्रेजुएट्स में, उनमें मिसमैच है, उनमें डिसकनेक्शन है. ओवर द पास्ट डिकेड देयर हैज बीन ग्रोइंग स्केप्टिसिज्म अबाउट द वैल्यू एंड वर्कफोर्स रेलेवेंस ऑफ हायर एजुकेशन इन लाइट ऑफ रैपिड चेंजेस इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क. यानी कि वर्ल्ड ऑफ वर्क जो हमारा कार्यस्थल है वो इतनी तेजी से बदल रहा है, उसको इतनी तेजी से नए नए कौशल चाहिए जो विद्यार्थियों में हो, जो उसके एम्प्लॉयज में हो, लेकिन हायर एजुकेशन इतनी तेजी से अपने आप को बदल नहीं पाया. The current period of labor market uncertainly होना चाहिए था, presents both a challenge and an opportunity for institutions of higher education. They must find ways to align with this new world of work. यानी कि ये जो हमारा current period चल रहा है, जो जो job हैं, जो job opportunities हैं, उन्होंने एक चुनौती भी दी है और अवसर भी दिया है higher education को कि आप change कीजिए अपने आप को ताकि आप मिल सकें जाके उस need से जो कि employer को चाहिए, वैसा आप graduate उत्पन्न करिए. ओके, कैसे करें, मतलब पता चल गया कि करना चाहिए, ये भी पता चल गया कि कर नहीं पाते हैं, फिर सजेशन दिया गया कि ठीक है भाई आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल उनमें डेवलप कीजिए, तो कैसे डेवलप करें, ये स्ट्रेटजी उसके लिए कुछ है. ट्रीट एम्प्लॉयर्स एज कस्टमर्स नॉट एंड यूजर्स. आप अपने जो एम्प्लॉयर है उनको कस्टमर की तरह से देखिए, उनको ये मत देखिए कि वो आखिरी हमारा यूजर है. Higher education must instead foster deeper and more sustained relationships that do not always come naturally to the world of academia. यानी कि हम जो academia वाले लोग होते हैं वो actually जो मतलब employers है उसको उस हिसाब से नहीं देखते हैं, but आपको देखना उसी थोड़ा उसको मतलब महत्व दीजिए, because हमारा graduate वहीं जाएगा तो वो absorb हो सके. Create opportunities for lifelong learning beyond a degree. देखिए degree holder को job मिलेगी ये आज के ज़माने का सत्य नहीं है, आपके पास skill होगी तो आपको job मिलेगी. हाँ, तो हम ऐसे अवसर प्रदान करें कि हम बच्चे को लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए तैयार करें, सिर्फ उसको डिग्री ना दें. इसीलिए एनपी 1986 अगर आपको याद हो पता हो तो उसने कहा भी था, एक टॉपिक था डी लिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब्स. लेकिन सोचिए कितने साल पहले ये कह दिया गया था, लेकिन वो बहुत मतलब पॉपुलर नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सो मच पॉलिटिक्स एंड ऑल आई डोंट नो, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है. उन्होंने कहा डी लिंकिंग, तोड़ दीजिए डिग्री को जॉब्स. डिग्री है तो जॉब मिलेगी, डिग्री है तब भी आप काबिल नहीं है, और कोई बिना डिग्री वाला भी आपसे ज्यादा काबिल है तो जॉब तो काबिल आदमी को मिलनी चाहिए ना, डिग्री होल्डर को नहीं. तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग बियॉन्ड डिग्री. फिर गेट स्पेसिफिक, आप विशिष्ट बनिए, कोर्स वर्क को कॉम्पिटेंसी से जोड़िए. मतलब हमने कोर्स पढ़ा दिया बच्चे को, सिलेबस कंप्लीट है, पर उसमें कोई दक्षता नहीं आई है तो वो किसी काम का नहीं है. फिर बेटर सिग्नलिंग, क्रिएट अ शेयर्ड वोकैब ऑफ स्किल्स विद एम्प्लॉयर्स एंड पीयर इंस्टीट्यूशंस. मतलब बातचीत कीजिए, संवाद कीजिए एम्प्लॉयर्स से, जो हमारा पीयर इंस्टीट्यूशन है उससे, जिससे कि क्रिएट टाइटर लिंकेजेस बिटवीन देयर एजुकेशनल ऑफरिंग्स एंड द वर्ल्ड ऑफ वर्क. जिससे जो हम लिंकेज कर सके किसके बीच में, जो हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और जो वर्ल्ड ऑफ वर्क को चाहिए. ठीक है, और डिजाइन फॉर वर्कफोर्स इक्विटी एंड इंक्लूजन. देखिए वर्क प्लेस पे क्या होगा, वहाँ पे आपको किसी भी आदमी के संग काम करना है, वो किसी भी रेस सेक्स कास्ट क्रीड का हो, तो हमको ये इंक्लूजन का कंसेप्ट हम पढ़ाई में ही क्यों ना दे दें उनको, ताकि वो जब वर्क प्लेस पे जाएं तो उनको इस तरीके की दिक्कत ना हो. The world of higher education and learning experiences is changing very quickly, and so are the skills that people are just going to need in the workforce. यानी कि हम जब workforce पे जाएं तो हमको equity का concept हो, हम inclusion के inclusivity के concept के साथ चलें, तो हमको अपनी higher education को workforce के हिसाब से design करना होगा और उसमें equity और inclusion का concept लाना होगा. अगर हम ऐसा कर सकें, ऐसा कर पाएं, तो हम कह पाएंगे कि जो हमारा higher education है उसका world of work से relationship है. बट अभी तो मतलब बहुत डाइसी है, कोई बढ़िया तो नहीं है. सब हायर एजुकेशन प्राप्त किए हुए लोगों को जॉब मिल रही है? नहीं मिल रही.
रीज़न यही है कि हम ट्रेडिशनल पैटर्न पे चलते हैं, हमने अपने आप को चेंज नहीं किया है, हम स्किल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, कम्युनिकेशन, इन पर बात नहीं करते हैं, सिर्फ टेक्स्ट 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 और थेरी 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 की बात करते हैं. ओके, तो वी हैव टू चेंज टू अलाइन विद द वर्ल्ड ऑफ वर्क. ओके, सो आई हैव कम्प्लीटेड दिस वेरी मच लास्ट टॉपिक फॉर यू ऑल. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from myself.